एप्पल प्रेमियों का इंतजार खत्म हुआ क्योंकि आज 20 सितंबर से आईफोन 16 सीरीज की बिक्री शुरू हो गई है। हाल ही में कंपनी ने इस नई सीरीज को लॉन्च किया था जिसमें चार नए मॉडल्स शामिल हैं। आईफोन 16, आईफोन 16 प्लस, आईफोन 16 प्रो और आईफोन 16 प्रो मैक्स ये मॉडल उच्च तकनीक के साथ बाजार में उतारे गए जो ग्राहकों के लिए एक नया अनुभव प्रदान करेंगे। आईफोन 16 सीरीज की बिक्री देश के प्रमुख शहरों जैसे दिल्ली और मुंबई में स्थित एप्पल के आधिकारिक स्टोर्स, कंपनी की वेबसाइट और प्रमुख ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे फ्लिपकार्ट और अमेजोन पर भी की जा रही है। ग्राहकों को इन प्लेटफॉर्म पर आसानी से इन नए आईफोन्स को खरीदने का अवसर मिलेगा। आईफोन 16 के तीन वेरिएंट्स उपलब्ध हैं, 128 GB, 256 GB और 512 GB, जिनकी कीमत क्रमशः 79,900 रुपये, 89,900 रुपये और 1,09,900 रुपये निर्धारित की गई है। ये वेरिएंट्स उपयोगकर्ताओं को स्टोरेज के विभिन्न विकल्प प्रदान करते हैं जिससे वे अपनी जरूरतों के अनुसार चुन सकते हैं। आईफोन 16 प्लस भी तीन वेरिएंट्स के साथ आता है। इसके 128 GB मॉडल की कीमत 89,900 रुपये, 256 GB मॉडल की कीमत 99,900 रुपये और 512 GB मॉडल की कीमत 1,19,900 रुपये है। इनकी डिजाइन और फीचर्स ग्राहकों को आकर्षित करने में सक्षम है। आईफोन 16 प्रो सीरीज में चार वेरिएंट शामिल हैं। 128 GB वेरिएंट की कीमत 1,19,900 रुपये, 256 GB की कीमत 1,29,900 रुपये, 512 GB की कीमत 1,49,900 रुपये और 1 TB वेरिएंट की कीमत 1,69,900 रुपये है। ये मॉडल्स प्रोफेशनल यूजर्स के लिए उच्च गुणवत्ता और प्रदर्शन के साथ डिजाइन किए गए हैं। एप्पल ने ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए कई ऑफर्स भी पेश किए हैं। कंपनी पुराना फोन एक्सचेंज करने पर 4,000 रुपये से लेकर 67,500 रुपये तक की छूट दे रही है। इसके अलावा एक्सिस, ICICI और अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक कार्ड से पेमेंट करने पर 5,000 रुपये का इंस्टेंट कैश बैक भी उपलब्ध है। ग्राहकों की सुविधा के लिए 3 और 6 महीने की नो कॉस्ट EMI की सुविधा भी दी गई है। इस नई आईफोन सीरीज के लॉन्च से एप्पल ने बाजार में अपनी स्थिति को मजबूत किया है और ग्राहकों के लिए अनेक विकल्प प्रस्तुत किए हैं।